हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विशेष मलिक, टेक्निकल गुरु। दोस्तों, अगर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को विंडोज सर्वर 2012, सीसीएनए राउटिंग, सीसीएनए स्विचिंग और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे चेक मार्क कीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग नेम और बूटिंग टाइम कैसे चेंज करते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बूटिंग नेम और बूटिंग टाइम एक्चुअल में होता क्या है, उसके लिए मैं यहां पर आपको अपनी वर्चुअल मशीन पे लेके चलता हूं। देखिए, ये मैंने यहां पर RHEL 7 सर्वर के नाम से वर्चुअल मशीन यूज की हुई है, इसे मैं पावर ऑन करता हूं। देखिए दोस्तों, बूटिंग नेम और बूटिंग टाइम का मीनिंग क्या है। जब आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मशीन को पावर ऑन करते हैं तो यहां पर आपको केवल 5 सेकंड का टाइम मिलता है। अगर विद इन 5 सेकंड्स आप इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो ठीक है, वरना मशीन जो है बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑप्शन पे होती है और मशीन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बूट कर जाती है। दोस्तों, बूटिंग टाइम का मीनिंग है कि अगर ये 5 सेकंड आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, या फिर सेकंड है हमारा, ये होते हैं दोस्तों हमारे बूटिंग नेम, कि इन दोनों नेम को भी हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों नेम को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बूटिंग फाइल होती है, जो कि grub2.cfg फाइल होती है, उसी के द्वारा हम लोग इन नेम को भी चेंज कर सकते हैं, के साथ साथ इस बूटिंग टाइम को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चेंज करने के लिए मैं अपनी मशीन को लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट कराता हूं। तो जब तक ये मशीन बूट करती है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। ये देखिए, मशीन जो है वो पावर ऑन हो चुकी है। तो इसके लिए आपको दोस्तों रूट यूजर से लॉगिन करना है। सबसे पहले आप यहां पर रूट यूजर का यूजर नेम प्रोवाइड करेंगे और पासवर्ड टाइप करके साइन इन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि रूट यूजर जो है इस मशीन के अंदर लॉगिन हो सके। अब रूट यूजर के लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आप यहां पर टर्मिनल ओपन कीजिएगा। टर्मिनल ओपन हो चुका है होने के बाद, अब आप विम एडिटर की हेल्प लेंगे। रूट पार्टीशन के अंदर etc डायरेक्टरी के अंदर grub2.cfg फाइल को मॉडिफाई करने के लिए। दोस्तों, grub2.cfg फाइल जो होती है, ये लाइनक्स 7 की बूटिंग फाइल होती है, और इस फाइल को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको मॉडिफाई करना है। अगर आप इसके अंदर कुछ भी अननेसेसरी चेंजेस करते हो तो ये मशीन, ये फाइल जो है ये करप्ट हो जाएगी, और इस फाइल को करप्ट होने का मतलब है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका करप्ट हो जाएगा। तो विम एडिटर यूज करेंगे grub2.cfg फाइल को मॉडिफाई करने के बाद के लिए। सॉरी, मैं लाइन नंबर ऐड कर देता हूं यहां पर, कि किस लाइन में हम लोग ऐड करने वाले हैं या एडिटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां पर लाइन नंबर 63 में आइएगा। दोस्तों, लाइन नंबर 63 में आप यहां पर देख सकते हैं टाइम आउट जो है ये 5 सेकंड आया हुआ है। तो आप एडिट करने के लिए जितना भी आप सेकंड्स डिफाइन करना चाहते हैं, दोस्तों ध्यान रखना, ये जो टाइम है ये केवल सेकंड में ही आप डिफाइन कर सकते हो। मैं यहां पर 120 सेकंड डिफाइन कर रहा हूं, कि 120 सेकंड आपको वहां पर टाइम मिले। 63 में आप 63 लाइन नंबर के द्वारा आप
बूटिंग टाइम को चेंज या रीसेट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको बूटिंग नेम भी चेंज करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको यहां पर लाइन नंबर 72 में आना है। लाइन नंबर 72 में आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये सेम वही नेम है जो कि आपको वहां पर बूटिंग नेम शो होता है, ठीक है यहां तक। तो अब आप इस नेम की जगह ध्यान रखना जो मैंने सेलेक्ट किया है केवल आपको वही मॉडिफाई करना है, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। एक सेकंड जरा मैं यहां पर कुछ चेंज कर लेता हूं, वेट कीजिएगा इसके लिए। हाँ, अब Red Hat Enterprise Linux सर्वर विद विशेष मलिक टेक्निकल ग्रो, ये मैं अब अपना फर्स्ट नेम बूटिंग नेम रख रहा हूं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट नेम जिससे कि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन को बूट करते हो। अब अगर आपको रेस्क्यू नेम भी चेंज करना है तो आप यहां पर आकर वो नेम भी चेंज कर सकते हैं। नेम कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है, ठीक है। इसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के लिए मैं यहां पर एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, यहां से आगे आगे इसको चेंज करता हूं दोबारा से। एक सेकंड जरा मैं इसको क्लोज कर देता हूं। विद रेस्क्यू ठीक है, जो भी आप नेम रखना चाहें, मैं ये नहीं रखता हूं विद सेम नेम ही रख लेते हैं विशेष मलिक। जस्ट मैं इसमें विशेष मलिक रख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट में मैंने रखा है विद विशेष मलिक टेक्निकल गुरु रखा है और यहां पर मैंने रखा केवल विद विशेष मलिक। तो आप इस तरह मैंने इस लाइन के द्वारा 87 के द्वारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटिंग नेम जो कि रेस्क्यू वाला नेम है उसको चेंज किया। लाइन नंबर 72 के द्वारा मैंने बूटिंग नेम चेंज किया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन के लिए। अब इस फाइल को आप सेव कीजिए। सेव करने के बाद अब आप अपनी मशीन को रीस्टार्ट कीजिएगा। रीस्टार्ट कीजिए जरा I96 के द्वारा। अब जरा कंफर्म करते हैं क्या बूटिंग नेम बूटिंग टाइम वगैरह चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। और दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप अपनी मशीन का बूटिंग टाइम देखिए जरा, वो जो पहले 5 सेकंड था अब 120 सेकंड के साथ में इंक्रीज हो चुका है। के साथ साथ आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि हमारी मशीन के अंदर जो बूटिंग नेम थे वो भी दोनों चेंज हो चुके हैं। जो भी मैंने वहां पर डिसाइड किया था वही आपके सामने यहां पर डिस्प्ले हो रहा है कि अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन से बूट करना चाहते हैं, सॉरी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा जो कि है Red Hat Enterprise Linux सर्वर विद विशेष मलिक टेक्निकल गुरु के नाम से। सेलेक्ट कीजिएगा, एंटर की प्रेस कीजिए। अगर आप रूट यूजर का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं विद Red Hat Enterprise Linux सर्वर विद विशेष मलिक रेस्क्यू के द्वारा, तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके यहां से आप ई प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बूटिंग टाइम और बूटिंग नेम को चेंज भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विशेष मलिक टेक्निकल गुरु। दोस्तों अगर आप अपने टेक्निकल स्किल्स को विंडोज सर्वर 2012, CCNA राउटिंग, CCNA स्विचिंग और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अपग्रेड करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे चेक मार्क कीजिए
और सेव पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।